हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक और आ गया बस बैन की हुई उन 59 ऐप्स के बारे में बताने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ के लेके। तो वैसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट आपको इसके बारे में बताने आया हूँ कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। कई लोग सोच रहे होंगे चलो यार अगली वीडियो पे जाते हैं, अब ये बोर करेगा बंदा, बट नहीं, मैंने सारी ऐप्स को कैटेगरीज में बांट दिया हुआ है, चेक कीजिए, अच्छा लगे तो देखिए। 7 कैटेगरीज हैं: एंटरटेनमेंट, चैट, कैमरा एंड फोटोज, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्राउजर, गेम्स और यूटिलिटीज, जो कि हमारे काम की चीज़ें हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम एंटरटेनमेंट से। अब एंटरटेनमेंट से आपने टिकटॉक के बारे में तो बहुत कुछ सुन लिया, मैं तो बोर भी हो गया भाई टिकटॉक के बारे में सुनकर, टिकटॉकर की हालत ख़राब हो गई। बट बाकी और भी कुछ ऐप हैं एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए, जैसे हेलो लाइक, वीवो, वीगो लाइव, वीवा वीडियो, वीगो वीडियो, मी टू वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनका जो अल्टरनेटिव है, यानी कि इनकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे शेयर चैट है, डब स्मैश एक पुरानी ऐप है, और चिंगारी जो कि एक इंडियन ऐप है, चीज़ भी एक ऐप है वीडियोज़ बनाने के लिए, ट्रेलर और साथ में फनी मेट। अब अगली बारी आती है चैट, चैट प्रोग्राम्स, चैट ऐप्स जो इंडिया की सरकार ने बंद कर रखे हैं, उसमें वी चैट, मेल मास्टर, वीडियो मैम, माई वीडियो कॉल, बहुत कुछ है। उसके लिए टेलीग्राम है हमारे पास, व्हाट्सएप है, सिग्नल एक नया ऐप है, आउटलुक मेलिंग के लिए, गूगल डुओ वीडियो कॉलिंग के लिए, जीमेल तो आप यूज़ ही करते हैं, और स्काइप मेरा सबसे फेवरेट, मैं बहुत पहले से यूज़ करता हूँ। अगली चीज़ कैमरा एंड फोटोज़, लड़कियों की सेल्फीज, वाह ब्यूटी फाई, ब्यूटी प्लस, वाह जी, फोटोज़ खींच खींच के इंस्टाग्राम इधर उधर पोस्टें कर रही थी, बंद हो गई यार, बहुत दुख हुआ। बट इनका रिप्लेसमेंट है फेस ऐप इंडियन कैमरा, जो हमारा फोटो एडिटर है, उसके बाद हमारा कैमरा है, मैनुअल कैमरा बोलते हैं, फेस ट्यून और स्नैपचैट, जिसमें सारे पुराने फिल्टर मिल जाएंगे आपको, तो लड़कियों को कोई रोक टोक नहीं है। इसके आगे आती है ऑनलाइन शॉपिंग की कुछ ऐप, शीन, क्लब फैक्ट्री और रूम वी। अब इनके तो हमारे पास पहले से पड़े हुए थे अल्टरनेटिव्स, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और शॉप क्लूज, जो कि क्लब फैक्ट्री की तरह ही सस्ते रेट प्रोवाइड करता है। इसके आगे आते हैं ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, यूसी टर्बो, ये मैं यूज़ करता था और बहुत अच्छे ब्राउज़र्स हैं भाई, अच्छी लोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड भी अच्छी है। बट इनका रिप्लेसमेंट हमारे पास है मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, क्रोम और जियो ब्राउज़र, जो कि एक इंडियन ब्राउज़र है। अब गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई लोग, गेम्स का क्या है यार, इतनी ज़्यादा ऐप है, एक ऐप की तीन तीन ऐप बनी होती हैं, इसलिए हमको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ऐप हैं कि हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। इसलिए मैं इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं बता रहा हूँ, और बैन ऐप जो गेम्स हैं उनको खेलना बंद कर दीजिए। यूटिलिटीज, ये एक कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत काम के कुछ सॉफ्टवेयर थे इसमें, जो कि बैन हो गए, जिसका मुझे भी बहुत दुख हुआ वो बैन हो गए, क्योंकि बड़े काम के सॉफ्टवेयर थे। बट अब बंद हो गए तो बंद हो गए भाई, सरकार का ऑर्डर है तो फिर तो हमें मानना पड़ेगा। तो इसके अल्टरनेटिव भी हैं, जैसे कि शेयर इट को हम शेयर ऑल से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके आगे कैम स्कैनर, जिससे हम फोटो टू पीडीएफ या कैमरा से सीधे फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना देते थे, उसको हम एडोब स्कैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके आगे हमारे पास न्यूज़ डॉग, ये यूसी न्यूज़, ऐसे फेक न्यूज़ वाली इतनी सारी चीज़ आती थी, इतनी फेक न्यूज़ करके कोरोना की दवाई आ गई, ये आ गया, वो आ गया, इससे हमें कंफ्यूज करते थे, उससे अच्छा बिंग न्यूज़, इन शॉर्ट, और गूगल न्यूज़ स्टैंड भी है, जो कि मैंने यहाँ पे डाला नहीं है क्योंकि वो इनबिल्ट ही होता है हमारे पास। अब ये कुछ अगे ऐप्स हैं, डी यू स्पीड बूस्टर, क्लीन मास्टर, बैटरी सेवर, डी यू लाइट वगैरह वगैरह। इन चीज़ों के बारे में सोचते सोचते मैं इतना कज्जल हो गया कि मैंने देखो पेन को कितनी बार घुमा दिया, बट करती कुछ भी नहीं थी ऐप। इसलिए मेरे पास तीन ऐप हैं, डॉक्टर बैटरी, गो बैटरी और ग्रीनीफाई। ग्रीनीफाई मेरी फेवरेट ऐप है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, रूटेड और नॉन रूटेड फ़ोन के लिए। इससे आगे आते हैं बाइडू मैप्स, मुझे नहीं लगता कोई यूज़ करता है इनको, पर इसके बदले हैं गूगल मैप्स और बिंग मैप्स हमारे पास। इसके आगे हमारे पास आता है पैरेलल स्पेस, ये बहुत अच्छी ऐप और बहुत इंपॉर्टेंट ऐप थी, जिससे हम एक ऐप को एक ही फ़ोन में दो अलग अलग अकाउंट से यूज़ कर सकते थे, तो इसके बदले आई हैं हमारे पास टू अकाउंट, नई
और एक डुअल स्पेस जो पहले से थी, बाकी आज की डेट में नए फोन्स में हर किसी फ़ोन में ये जो फंक्शनैलिटी है इनबिल्ट ही हमको मिल जाती है, इसलिए इसकी तो टेंशन लेने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। इसके आगे आता है हमारा बाइडू ट्रांसलेट, इसका भी मुझे पता नहीं चला कौन यूज़ करता है भाई, ज़्यादातर बंदे बिंग ट्रांसलेट और गूगल ट्रांसलेट ही यूज़ करते हैं मेरे हिसाब से तो। एंड में ES फाइल एक्सप्लोरर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल मैनेजर ऐप, इसकी जगह हमारे पास आए हैं एक सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर और एक CX फाइल एक्सप्लोरर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।